हेलो, ऑडिबल आवाज जा रही है? हेलो, ऑडिबल? अजय, अनंतो, आवाज जा रहा? हेलो, हेलो विनीत, विनीत आवाज जा रही है? विनीत सिंह, हेलो विनीत, आवाज जा यस सर, गुड रहा आफ्टरनून सर। है? हाँ, गुड आफ्टरनून। जस्ट वेट करो, बच्चे लोगों को आने दो। जी सर। ठीक। तो अभी शायद थर्ड सेमिस्टर में भी हो सकता है ना, थर्ड सेमिस्टर बोल रहे, थर्ड इंटरनल। जी सर जी। तो अब उसके लिए जो है कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स है, कुछ थियोरिटिकल पार्ट जो ऑप्टिकल फाइबर का है उसको हम लोग यस ऐड कर सर। रहे हैं। ठीक है, तो जी सर। आज हम उसके बारे में बताएंगे। सर, हम लोग का एक्सटर्नल एग्जाम का क्या हुआ है? अच्छा एक्सटर्नल एग्जाम के बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है ना? नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद फिर देखा जाए क्या जी वो सर। सर उस पर विशेष ज्यादा कुछ बोल पाएंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन अच्छा कंट्रोलर तो वही है ना। जी सर। तो जस्ट वेट, हम शेयर स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। जी सर। ये देखो, न्यूमेरिकल एपरेचर पिछला क्लास में तुम था क्या दिलीप? नहीं सर, लास्ट क्लास में नहीं थे सर, उससे पहले क्लास में थे। जी ठीक है, कोई बात नहीं। न्यूमेरिकल एपरेचर सर। ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर, न्यूमेरिकल एपरेचर का डिफिनेशन है कि इट इज डिफाइंड एज द साइन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल को हम लोग किससे लिखते हैं? थीटा नॉट से। ये थीटा नॉट है, ठीक है। एन ए इज यस इक्वल, सर। एन ए न्यूमेरिकल एपरेचर, न्यूमेरिकल एपरेचर को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एन ए। ये देखो, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, डिफिनेशन के आधार पर, इस डिफिनेशन के आधार पर, ये ऊपर वाला लाइन क्या है, साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल। तो एक्सेप्टेंस एंगल को हम थीटा नॉट बोलते हैं। देखो, तो यहाँ पर मेरा थीटा नॉट आ रहा है, देखो ये थीटा नॉट आया है ना, यही एक्सेप्टेंस एंगल। तो थीटा यस नॉट, सर। तो न्यूमेरिकल एपरेचर इज डिफाइंड एज द साइन ऑफ एंगल ऑफ द साइन ऑफ द एक्सेप्टेंस एंगल। और एन ए इज इक्वल टू, यहाँ देखो इस क्वेश्चन, यहाँ पर साइन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, साइन थीटा नॉट इज इक्वल टू रूट अंडर एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, ये एन ए का एन ए इज इक्वल टू साइन थीटा नॉट की जगह ये पार्ट उतार देंगे, ये वाला क्रसर को ध्यान दो, रूट अंडर एन वन स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर। जस्ट वेट करो, दो जन आया है, इंटर यस सर। कर ले रहे हो लोग, मंगलम कुमार, यश कुमार साहू। तो न्यूमेरिकल एपरेचर का ये पार्ट आ गया मेरा, जस्ट मिनट। हाँ, न्यूमेरिकल एपरेचर इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं, साइन थीटा नॉट, और इज इक्वल टू क्या बोल रहे हैं, रूट अंडर एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर। तो हम लोग एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये पार्ट आ गया, एन वन स्क्वायर प्लस सॉरी एन वन प्लस एन टू, प्रेशर को ध्यान दो, इंटू एन वन माइनस एन टू। अब हम क्या कर रहे हैं, ये पार्ट को लाना, ये पार्ट रहे तो इस पार्ट को एलाबोरेट कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एन वन प्लस एन टू डिवाइडेड बाई टू, और ये एन वन माइनस एन टू डिवाइडेड बाई एन वन इंटू टू एन वन। तो ये टू एन वन और यहाँ मेरा टू एन वन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, ऊपर वाला पार्ट इसके बराबर आ जाएगा ना। तो इस पार्ट को एलाबोरेट
एलाबोरेट किए तो ये इक्वेशन आया। अब हम बोल रहे हैं कि दिस एन वन प्लस एन टू इज इक्वल टू, मान लेते हैं एन वन, एन वन क्या है, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, एन वन विद रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड एन टू विद रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग, ठीक है। अब हम अब यहाँ लिखेंगे therefore n1 square minus n2 square, this part can be written here is equal to here n1 plus n2 divided by 2, इसके जगह क्या लिखेंगे, इसके जगह हम ये n1 लिखेंगे, तो यहाँ अगर हम n1 लिखे और यहाँ 2n1, तो n1 into 2n1 square, इसका मतलब क्या आ जाएगा 2n1 square, और हम लोग जानते हैं कि refractive index change, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज ये पार्ट देखो ये डेल्टा डेल्टा इज इक्वल टू एन वन माइनस एन टू डिवाइडेड बाई एन वन, ये कल का क्लास में हुआ था, डिफरेंस बिटवीन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लेडिंग डिवाइडेड बाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, इसको बोल रहे हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज मीन्स डेल्टा डेल्टा। अब यहाँ यहाँ पर देखो एन वन माइनस एन टू डिवाइडेड बाई एन वन, ये यहाँ क्रसर को ध्यान दो, एन वन माइनस एन टू डिवाइडेड बाई एन वन, उसके जगह हम लोग ये डेल्टा लिख सकते हैं, ये डेल्टा, ये डेल्टा आ गया, इस डेल्टा को अभी हम यहाँ पर क्या लिख दिए, ये डेल्टा एन वन, ये एन वन प्लस एन टू डिवाइडेड बाई टू, इसके जगह जस्ट मिनट रुक जाओ, एन वन प्लस एन टू डिवाइडेड बाई टू, इसके जगह हम क्या बोल रहे हैं, ये एन वन, दिस एन वन इंटू टू एन वन, तो टू एन वन स्क्वायर, तो टू एन वन स्क्वायर को हम यहां पर नोट डाउन किए, टू एन वन स्क्वायर, और यहां का एन वन माइनस एन टू डिवाइडेड बाई एन वन इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज डेल्टा, देखो यहाँ सिंस कर दिए, सो एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर, एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर, यहाँ क्रसर को ध्यान दो, इसके जगह क्या लिखेंगे, एन ए, एन ए इज इक्वल टू इसको एन वन रूट अंडर टू इंटू डेल्टा, ये पता है। तो न्यूमेरिकल एपरेचर का क्या फॉर्मूला हो गया, या तो हम इस फॉर्मूला को एडॉप्ट करेंगे, या वी हैव टू टेक ओनली दिस फॉर्मूला और इन प्ले और दिस पार्ट मीन्स एन वन रूट अंडर टू इंटू डेल्टा। तो न्यूमेरिकल एपरेचर रेंज इसको याद रखना है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस थिंग, द रेंज ऑफ न्यूमेरिकल एपरेचर इज बिटवीन 0.13 टू 0.50, इतना ही रेंज होगा न्यूमेरिकल एपरेचर का, अगर इससे ज्यादा होता है, इफ द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल एपरेचर एक्सीड्स from 0.13 to 0.50, it means that the fiber can accept more light from the source. ये पार्ट देखो यहाँ लिख दिए, the fiber can accept more light from the source. So in your internal exam or in your university exam, if question will ask the numerical aperture range is between how much? वैल्यू दिया रहेगा, तो 0.13 टू 0.15 के बीच में जितना भी दिया रहे वही आएगा, रेंज बोलेगा तो 0.13 टू 0.50 यही लिखा रहेगा, तो इस पार्ट को इसी पार्ट को टिक लगाना, अगर इससे ज्यादा हो रहा है न्यूमेरिकल एपरेचर, ज्यादा आने का मतलब है कि फाइबर कैन एक्सेप्ट मोर लाइट फ्रॉम द सोर्स, अगर 0.13 टू 0.50 से ऊपर आया, ज्यादा आया, तब बोलेंगे द फाइबर एक्सेप्ट क्या कर रहा, मोर लाइट फ्रॉम द सोर्स। अब Na का वैल्यू, Na फॉर्मूला हमारा न्यूमेरिकल एपरेचर का, वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ न्यूमेरिकल एपरेचर एज वेल एज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज का क्या फॉर्मूला हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू एन वन माइनस एन टू डिवाइडेड बाय एन वन, जस्ट मिनट। अब हम लोग
क्या करेंगे कि न्यूमेरिकल अब हम लोग इस दो फॉर्मूला के आधार पर वी हैव टू सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स। तो जस्ट वेट, दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल एंड इन दिस क्वेश्चन वन गिव्स दैट कैलकुलेट द रिफ्रेक्टिव इंडिसेस ऑफ द कोर एंड क्लेडिंग ऑफ ए फाइबर फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। Na is equal to numerical aperture is given here 0.22 and refractive index change that is denoted by delta. Delta, देखो delta लिखा हुआ, delta is equal to 0.012। हम लोग क्या करेंगे, numerical जब भी problem को solve करेंगे तो first we have to see what parameters has to be given and what parameters we have कैलकुलेट। फर्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, कौन कौन सा पैरामीटर दिया हुआ है और कौन सा पैरामीटर हमको कैलकुलेट करना है, इस पार्ट को देखना है। जो जो पैरामीटर दिया हुआ रहेगा और क्या निकालना है उस पार्ट को लिखने के बाद हम लोग उसको टोटली सॉल्व कर देंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा सॉल्व करने। मान लो इस क्वेश्चन के आधार हम लोगों को क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रिफ्रेक्टिव इंडिसेस ऑफ द कोर। तो कोर एंड क्लेडिंग, कोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम लोगों को मालूम किस उसका सिंबल क्या है, N1, और क्लेडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्या होता है, N2। तो यहां हमारा क्वेश्चन है कि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वी हैव टू कैलकुलेट द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लेडिंग एंड द data which are given here, that is numerical aperture is equal to 0.22 and refractive index change is equal to 0.012। अब हम लोगों को refractive index कोर का निकालेंगे और क्लेडिंग का निकालेंगे। तो अब पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि देखो, we know that लिखे refractive index change delta is equal to क्या होता formula, n1 minus n2 divided by n1। इसका मतलब क्या है कि रिफ्रेक्टिव इंडिस डेल्टा का वैल्यू मेरा दिया हुआ है, डेल्टा का वैल्यू दिया हुआ है 0.012। और इस पार्ट में क्या दिया है कि n1 भी मेरा, देखो जस्ट मिनट रुक जाओ, यहाँ क्या है n1 मेरा, ध्यान से समझोगे ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का, n1 वैल्यू मेरा कैलकुलेट करना है, N2 वैल्यू भी कैलकुलेट करना है, N1 फिर यहाँ पर है कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूला अभी हमारा यूज नहीं हो रहा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है कि न्यूमेरिकल एपरेचर इज इक्वल टू N1 रूट 2 इंटू डेल्टा, पूरा रहेगा रूट पूरा में रहेगा इंटू डेल्टा। तो इसमें न्यूमेरिकल एपरेचर का देखो वैल्यू मेरा, जस्ट ए मिनट रुको, क्रशर काम नहीं कर रहा जी। न्यूमेरिकल एपरेचर का वैल्यू हम लोगों को यहां क्वेश्चन में दिया हुआ है, एज वेल एज ऑल्सो गिवेन द वैल्यू ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज डेल्टा। डेल्टा डेल्टा का भी वैल्यू हमको यहां पर गिवेन है। तो वी नो दैट एन ए इज इक्वल टू N1 रूट 2 डेल्टा। तो हियर we have to calculate N1 is equal to Na divided by root 2 into delta. In place of Na, I have written 0.22 because this value is given in this question. Here, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ 0.22 Na का, न्यूमेरिकल एपरेचर का। So I have to put the value of Na in this place. रूट टू का रूट टू इंटू डेल्टा, डेल्टा का वैल्यू यहाँ देखो मेरा दिया हुआ है 0.012। सो आई हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा इन प्लेस ऑफ दिस। अब इसको सॉल्व किए तो कितना आया 1.42, ठीक है। अभी हमारा N1 का वैल्यू यहाँ कैलकुलेट हो गया। अब कौन सा ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे N2 का वैल्यू हमारा आ जाएगा, कोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं एंड द वैल्यू ऑफ द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज इक्वल टू 1.42।
So next formula is here delta is equal to n minus delta is equal to n1 minus n2 divided by n1. We know that this formula is used for refractive index change. Now in this question, the value of refractive index 0.012 is given here. 0.012 refractive index, यहाँ वैल्यू क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है, तो ठीक रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ट्रेन डेल्टा के ठीक नीचे में हम लिख रहे 0.012 इज इक्वल टू एन वन, एन वन का वैल्यू कितना आया है 1.42 माइनस एन टू, एन टू का हमको कैलकुलेट करना है तो एन टू डिवाइडेड बाय एन वन, एन वन की जगह क्या होगा 1.42। अब ये इसको सॉल्व करेंगे तो 0.012 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए इंटू 1.42 इज इक्वल टू 1.42 माइनस एन टू, सॉल्व करने पर कितना आ रहा एन टू इज इक्वल टू 1.40, एन वन और एन टू का वैल्यू कितना है 1.42 हो गया एन वन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, एन टू रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग, आई हैव टू कैलकुलेट 1.40। इस दोनों ही केस में देखो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का रेंज कितना, सॉरी न्यूमेरिकल एपरेचर का रेंज कितना होना चाहिए, न्यूमेरिकल एपरेचर का रेंज 1.13 टू 1.50, सॉरी यहां पर मेरा क्लेडिंग और कोर और क्लेडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ओनली निकलना है, निकल गया n1 is equal to 1.42 or n2 is equal to 1.40। Now if you have any doubt please ask, किसी को कुछ doubt है तो पूछो इस question में, इस तरह का question आ सकता है university exam और your internal exam और in both, इस question में किसी को doubt है तो बोलो फिर हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई doubt नहीं है, यस कुमार साहू इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नो सर। नो। अनिकेत राज, अनिकेत कुमार राज सिविल। यस सर। कुछ डाउट है अनिकेत? अनिकेत कुछ डाउट है तो पूछो। इस सर नहीं सर कुछ मन में आ रहा सर। अब हम सेकंड क्वेश्चन के बारे में जा रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन पर जस्ट वेट करो। सेकंड क्वेश्चन मेरा क्या है, कैलकुलेट द न्यूमेरिकल एपरेचर एक्सेप्टेंस एंगल and critical angle of a fiber having core refractive index is equal to 1.50 and the cladding refractive index is equal to 1.45. अभी third internal होने वाला है और उस internal exam में question आएगा, theory और numerical part दोनों ही आएगा, इसलिए ध्यान से इस सर offline होगा सर। क्या बोल रहे हैं? ऑफलाइन होगा सर थर्ड इंटरनल। इंटरनल ऑनलाइन होगा ना, अभी इंटरनल का बात हम बोल रहे हैं। हाँ सर थर्ड इंटरनल बोले सर, पोस्टपोन्ड हो गया है, एक वीक के बाद होगा। ऐसा नोटिस आया है क्या? दिनबंधु सर भेजे हैं? आकाश सर बोले थे सर आज क्लास में कि डेट बढ़ गया है उसका। हो सकता है कोई बहुत। हाँ सर लेकिन कितना दिन पोस्टपोन्ड होगा, अगर हुआ भी तो दो दिन बढ़ेगा, तीन दिन बढ़ेगा, उससे ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। ऐसा नहीं, हाँ मतलब उसके अगले वीक में होगा सर, ऐसा बोले थे। वही एक सप्ताह हुआ ना, अभी तो ये सब तो सॉल्व तो करना होगा ना प्रॉब्लम, कि क्वेश्चन हम ही सेट कर रहे हैं ना। और सर एक्सटर्नल होगा सर? फिर अब एक्सटर्नल में जा रहे हैं, अभी उसके बारे में हमको नहीं मालूम। सॉरी सर। ठीक है सर, सॉरी सर, ऐसे ही पूछ। क्वेश्चन अभी उधर से कोई भी ये आया नहीं है, अगर आया होता दिनबंधु सर से हम बात करेंगे, हमको जानकारी नहीं है। वहां से अगर कोई लेटर आता तो
पता तो चल जाना चाहिए, हो सकता है नहीं पता चला होगा। क्या तुम लोगों को कुछ मालूम है क्या? बस इंटरनल के बारे में बोले थे कि डेट पोस्टपोन होके आगे किया गया है। इंटरनल के बारे में अभी कोई भी नहीं बता पाएगा, कोई लेटर जेयू की से आएगा तब तो पता चलेगा, है ना। चलो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कैलकुलेट द न्यूमेरिकल एपर्चर, हम लोगों को न्यूमेरिकल एपर्चर कैलकुलेट करना। एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल को कौन सा सिंबल क्या है एक्सेप्टेंस एंगल का? थीटा नॉट, याद रखना। एंड क्रिटिकल एंगल सी, सी क्रिटिकल एंगल सी ऑफ ए फाइबर हैविंग फोर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, फोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन वन इज इक्वल टू 1.50 और क्लेडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.45। क्वेश्चन में ये पार्ट मेरा दिया हुआ है फोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, ठीक इसके पहले का क्वेश्चन में फोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्लेडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हम लोगों को कैलकुलेट करना था, लेकिन इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में ऑलरेडी कोर और क्लेडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है और न्यूमेरिकल एपर्चर कैलकुलेट करना है, एक्सेप्टेंस एंगल को कैलकुलेट करना है, क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करना है। तो अब हम लोग फिर बोलेंगे रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज डेल्टा इज इक्वल टू, जस्ट मिनट, अभी अगर हम न्यूमेरिकल एपरेचर फर्स्ट में कैलकुलेट करेंगे तो न्यूमेरिकल एपरेचर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, यहां देखो एन वन रूट टू इंटू डेल्टा, एन वन रूट टू इंटू डेल्टा, ये होता है न्यूमेरिकल एपरेचर। अब वैल्यू एन वन का देखो वैल्यू दिया हुआ है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, एन वन हो गया रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर 1.50, ये वैल्यू तो दिया हुआ है इंटू रूट टू का रूट टू, ये डेल्टा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज, तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज का वैल्यू तो हमारा दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, तो फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज उसको पहले उस पैरामीटर को हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो हमारा क्रशर जा रुका हुआ। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज इज इक्वल टू, वी नो दैट रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज इज इक्वल टू n1 minus n2 divided by n1. Now the value of n1 here, this part, n1 means refractive index or refractive index. So in this question, the refractive index of core is equal to 1.50. Now I have written here 1.50 minus n2. N2 means refractive index of cladding. So in this question, refractive index of cladding is equal to given here 1.45. So this part can also be written here divided by n1. n1 का value फिर हमारा कितना आया 1.50. याद रखना है कि refractive index core को बोल रहे हैं n1 और refractive index cladding का बोल रहे हैं n2. और इसको solve करने पर 1.50 minus 1.45 तो क्या आ जाएगा 0.05 डिवाइडेड बाय 1.50 डिवाइड करेंगे कितना आ रहा 0.033। ये वैल्यू मेरा कितना आया 0.033। दिस वैल्यू इज फॉर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज, ये डेल्टा का वैल्यू है। अब ये डेल्टा का वैल्यू को यहां पर हम पुट करेंगे, ये रूट एन वन का एन वन 1.50 इंटू रूट टू इंटू डेल्टा का क्या आ गया 0.033। इसको अब सॉल्व किया गया तो कितना आया 0.387। अब एक्सेप्टेंस एंगल, अभी हमारा क्या कैलकुलेट हो गया न्यूमेरिकल एपरेचर। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल यहां देखो एक्सेप्टेंस एंगल ये हो गया
एक्सेप्टेंस एंगल इज गिवन इन दिस इक्वेशन 7, ये हो गया थीटा नॉट इज इक्वल टू, एक्सेप्टेंस एंगल को किससे लिख रहे हैं, थीटा नॉट से, तो थीटा नॉट इज इक्वल टू साइन इनवर्स रूट अंडर एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर, एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर, इसके जगह हम क्या बोल सकते हैं, एन ए न्यूमेरिकल एपरेचर, यही ना बोल सकते हैं, देखो तो एन ए ये पार्ट आया, ये रूट अंडर एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर, इसके जगह ये एन ए, तो यहां पर हमारा क्या लिख रहा है इक्वेशन 7 में इस पार्ट में एन ए, थीटा नॉट इज इक्वल टू साइन इनवर्स एन ए, ये पार्ट मेरा याद है, वो क्वेश्चन नंबर थीटा इस पार्ट में मेंशन साइन इनवर्स एन ए एक्सेप्टेंस एंगल इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हो गया, ये कहां से आया ये मालूम है, तो साइन इनवर्स एन ए का वैल्यू कितना है 0.387, तो कितना आ रहा 22.78। या सेकंड क्वेश्चन में क्या, सेकंड क्वेश्चन में फर्स्ट है न्यूमेरिकल एपरेचर देन एक्सेप्टेंस एंगल, एक्सेप्टेंस एंगल भी हमारा निकल चुका, थर्ड क्या है क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स फॉर्मूला है एन टू बाई एन वन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग द रेशियो बिटवीन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर, तो साइन इनवर्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग ये कितना दिया हुआ है क्लेडिंग का 1.45, तो यहां हम लोग लिख दिए क्या 1.45 डिवाइडेड बाय एन वन, एन वन मीन्स रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर 1.50, तो यहां मेरा है 1.50, सॉल्व किया गया तो कितना आया 75.2 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन में किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछो, किसी को कुछ डाउट है सेकंड क्वेश्चन में तो पूछ लो, किस तरह का क्वेश्चन यूनिवर्सिटी और इंटरनल एग्जाम दोनों में ही आ सकता है, फर्स्ट क्वेश्चन में देखना है कि क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है, जो निकालना है उसको फॉर्मूला को लिख लेंगे, लिखने पर पता चल जाएगा कि कौन पार्ट दिया हुआ है और कौन पार्ट कैलकुलेट करना है, अगर दो पैरामीटर अगर कैलकुलेट करना है इसका मतलब वो फॉर्मूला नहीं लग रहा, तो कौन ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिससे फर्स्ट एक पैरामीटर कैलकुलेट हो जाएगा, तो इफ वी हैव टू कैलकुलेट वन पैरामीटर देन आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ पैरामीटर वन इन दैट फॉर्मूला सेकेंड पैरामीटर ऑल्सो कैलकुलेटेड, सेकेंड पैरामीटर भी मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ थर्ड क्वेश्चन, एन ऑप्टिकल फाइबर हैज ए न्यूमेरिकल एपर्चर, हियर इन दिस क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल एपर्चर इज गिवन, न्यूमेरिकल एपर्चर का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 0.20, इस क्वेश्चन में न्यूमेरिकल एपरेचर का वैल्यू दिया हुआ है एंड ए क्लेडिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.59, क्लेडिंग का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है N2, N1 हो गया कोर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, क्लेडिंग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 1.59, तो डिटरमाइन द एक्सेप्टेंस एंगल थीटा नॉट फॉर द फाइबर इन वाटर, इसका मतलब पहले मेरा वाटर एयर का रहेगा तब मैं वाटर में जा रहा है, तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है एक्सेप्टेंस एंगल फॉर द फाइबर इन वाटर, और वाटर उसमें उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है 1.33 वाटर का, तो हम लोग जब जानते हैं कि व्हेन अ रे ऑफ लाइट passing from air and enter into the fiber, then at the launching end, किसको बोल रहे हैं? Initial stage को, initial entry level stage को, तो वहां पर refractive index क्या बोला गया है?
एन नॉट, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, लॉन्चिंग एंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, वहां क्या लिखेंगे एन नॉट, और उसका वैल्यू कितना होगा वन, पिछला क्लास में बोला गया है द वैल्यू ऑफ द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स फॉर लॉन्चिंग एंड इज इक्वल टू वन, ये होता है। इस क्वेश्चन में हम बोल रहे हैं कि व्हेन द रे इज पासिंग फ्रॉम एयर एंड इंटर इनटू द फाइबर देन एन नॉट इज इक्वल टू वन एंड न्यूमेरिकल एपरेचर व्हिच इज गिवन इन दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0.20। नाउ अब हम लोग जानते हैं एन ए इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, हम लोगों को यहाँ क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमाइन द एक्सेप्टेंस एंगल फॉर द फाइबर इन वाटर, वाटर एयर का पहले भी हम निकाल रहे हैं, तो एन ए इज इक्वल टू रूट अंडर एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर, शुक्र को क्रॉसर में ठीक काम नहीं कर रहा है, एन ए इज इक्वल टू रूट अंडर एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो यहां मेरा एन नॉट दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखो यहाँ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्लेडिंग का दिया हुआ है, फोर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन वन, क्लेडिंग का एन टू, एन टू का वैल्यू मेरा दिया 1.59, इसका मतलब ये इसका वैल्यू भी दिया हुआ है मेरा, और न्यूमेरिकल एपरेचर भी दिया हुआ है, क्या करा सर एकदम स्टैंड बाय में, ये वैल्यू भी मेरा दिया है, तो हमको क्या निकल जाएगा यहाँ से एन वन निकल जाएगा, ये एन वन, तो हम बोलेंगे एन वन इज इक्वल टू रूट अंडर एन ए स्क्वायर प्लस एन टू स्क्वायर हो जाएगा ना, एन ए का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया है 0.20, यहाँ लिख दिए 0.20 होल स्क्वायर प्लस एन टू, एन टू का वैल्यू कितना है 1.59, तो यहाँ कितना आ गया 1.59 होल स्क्वायर, एन वन इसको सॉल्व करने पर कितना आ रहा है एन वन 1.6025, तब हो रहा है इफ द फाइबर इज इन द एयर, क्वेश्चन के आधार पर इफ द फाइबर इज इन वाटर देन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1.33, शुरू में जब एयर में है तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लॉन्चिंग एंड का कितना दे रहा है वन, ये हम लोग जान रहे हैं वन है, जब ये वाटर में है तो लॉन्चिंग एंड ऑफ द फाइबर इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू दिया हुआ 1.33, तो यहाँ देखो इसमें लिख दिया एन नॉट इज इक्वल टू 1.33 हो गया, एन ए इज इक्वल टू, अब हम लोग बोल सकते हैं एन वन स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन वन होना चाहिए, तब एन वन चूंकि यहां पर मेरा एन नॉट ले रहा है ना लॉन्चिंग एंड, लॉन्चिंग एंड एन नॉट ले रहा है, तो इस पार्ट में क्या आएगा, यहां हम लिख देंगे एन नॉट यहां पर इक्वल टू रूट अंडर का रूट अंडर एन वन, एन वन का वैल्यू कितना है 1.6025, तो दिस पार्ट कैन बी रिटन हियर होल स्क्वायर एन वन स्क्वायर, तो 1.6025 होल स्क्वायर माइनस एन टू स्क्वायर, एन टू, एन टू का वैल्यू मेरा कितना दिया है क्लेडिंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है क्लेडिंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1.59, तो यहाँ क्या लिख दिया 1.59 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन नॉट, एन नॉट, एन नॉट का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है 1.33, क्यों दिया है क्योंकि फाइबर इन वाटर व्हिच हैज रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ इज इक्वल टू 1.33 लिखा हुआ है क्वेश्चन, फाइबर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स 1.33 है जब ये वाटर में, तो
क्या लिखते हैं 1.33, अब इसको सॉल्व किया गया तो कितना आया 0.15। हमारा यहाँ क्वेश्चन N1 ये पार्ट देखो, क्वेश्चन के आधार पर क्या निकालना है, एन ऑप्टिकल फाइबर है, ये यूनिटल एपर्चर दिया हुआ है, ग्रेडिंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, डिटरमाइन द एक्सेप्टेंस एंगल। तो एक्सेप्टेंस एंगल इज इक्वल टू ये साइन इनवर्स NA होता है, तो इसी पार्ट को लिखिए, एक्सेप्टेंस एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स NA इज इक्वल टू साइन इनवर्स NA, NA का जगह क्या आ जाएगा 0.15, ये 0.15 यहाँ पर आ गया। अब इसको सॉल्व किया गया कितना आया 8.6 डिग्री। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर है, न्यूमेरिकल एम्परेचर दिया हुआ कितना है 0.20 और क्रेडिंग N2 का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्रेडिंग इज इक्वल टू 1.5 है। ये तब का केस है जब when the ray of light, if the ray of light passing from air and enter into the fiber through the launching end, and in that case the refractive index of the launching end N0 should be written as N0 and is equal to 1. जब air से fiber में जा रहा था, refractive index कितना है 1. Determine the acceptance angle अब पहला क्वेश्चन में acceptance angle हमारा दिया हुआ है, इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है जो को कैलकुलेट करना है उसमें बोल रहा कि determine the acceptance angle हमको कैलकुलेट करना है फॉर द फाइबर, अगर वही फाइबर जो एयर में है अब क्या है वाटर में, और रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उस केस में कितना है 1.33। तो पहले फाइबर जब मेरा एयर है तो लॉन्चिंग एंड में रिफ्रेक्टिव इंडेक्स N0 इज इक्वल टू 1 और न्यूमेरिकल एपरेचर का वैल्यू दिया है 0.20, तो न्यूमेरिकल एपरेचर इज इक्वल टू हम लोग जान रहे हैं रूट अंडर N1² - N2², तो NA का वैल्यू दिया हुआ है 0.20, 0.20 होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट अंडर N1² - ग्रेडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है दिया हुआ 1.59, तो यहाँ 1.59 होल स्क्वायर, N1 इज इक्वल टू ये पार्ट आ गया और N1 का वैल्यू मेरा निकल गया 1.6025। ध्यान से समझोगे इस क्वेश्चन को, आना ही है एग्जाम में। अब सेम फाइबर का वैल्यू कितना दिया है जब वो वाटर में है, इफ द सेम फाइबर इज इन वाटर देन द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1.33। यहाँ हम लोग क्या लिख दिए N0 इज इक्वल टू 1.33। अब N0 यहाँ मेरा दिया हुआ है, यहाँ पर हम NA निकालेंगे, जब NA निकालना है तो NA इज इक्वल टू यहाँ लिख सकते हैं रूट अंडर N1² - N2² डिवाइडेड बाय N1, वैल्यू को पुट किए तो NA का वैल्यू निकल गया 0.15। हम लोग को एक्सेप्टेंस एंगल निकालना है जब फाइबर वाटर में है तब, तो एक्सेप्टेंस एंगल इज इक्वल टू बोल सकते हैं साइन इनवर्स NA साइन इनवर्स इंटू 0.15 is equal to 8.6 degree. Acceptance angle of the fiber, if the fiber is placed in water and their refractive index is equal to 1.33, in that case that acceptance angle is equal to 8.63. Now next question is the fourth question. In this question a glass slab fiber is made with a core glass of refractive index
फोर ग्लास ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन वन क्या हुआ 1.5 एंड द क्लेडिंग इज गॉट टू बी टू गिवन ए फ्रैक्शनल इंडेक्स डिफरेंस ऑफ 0.005 डेल्टा फ्रैक्शनल इंडेक्स डिफरेंस डेल्टा क्या आ रहा फ्रैक्शनल इंडेक्स डिफरेंस इज इक्वल टू वैल्यू दिया हुआ तो डेल्टा का वैल्यू मेरा यहां दिया क्या क्या पहले दिया हुआ है 4 का n1 का दिया है और डेल्टा दिया हुआ तो क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है डिटरमाइन द क्लेडिंग इंडेक्स समझ में आ रहा नाउ n2 हमको कैलकुलेट करना है नाउ सेकंड क्वेश्चन इज द क्रिटिकल इंटरनल रिफ्लेक्शन सी थर्ड क्वेश्चन क्या है द एक्सटर्नल क्रिटिकल एक्सेप्टेंस एंगल थीटा नॉट क्वेश्चन को थोड़ा एलाबोरेट कर लिख दिया बस एक्सटर्नल क्रिटिकल एक्सेप्टेंस एंगल थीटा नॉट अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है न्यूमेरिकल एपर्चर n1 दिया हुआ है फ्रैक्शनल इंडेक्स डिफरेंसेस दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में n2 निकालना है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग यहां देखो क्वेश्चन में क्या लिया लिख दिया है द क्लेडिंग इंडेक्स रिफ्लेक्टिव हटा दिया द क्लेडिंग इंडेक्स मीन्स होता है n2 तो हम लोग जानते हैं कि जस्ट मिनट रुको हम लोग जानते हैं डेल्टा इज इक्वल टू एन वन माइनस n2 डिवाइडेड बाय n1 ये पार्ट तो होता है ना रिफ्रेक्टिव इंडेक्स चेंज डेल्टा इज इक्वल टू n1 माइनस n2 डिवाइडेड बाय n1 तो डेल्टा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ 0.0005 इज इक्वल टू n1 मींस 4 का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स तो 4 का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में दिया 1.5 देखो 4 का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स दिया हुआ तो यहां n1 की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं 1.5 माइनस n2 n2 का n2 डिवाइडेड बाय n1 के जगह फिर क्या लिखेंगे 1.5 नाउ वी आर टू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मींस 0.005 इनटू 1.5 इज इक्वल टू 1.5 माइनस n2 ऑन सॉल्विंग वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ n2 एंड द वैल्यू इज इक्वल टू 1.4925 क्लेडिंग का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू कितना निकला 1.4925 सेकंड क्वेश्चन क्या है द